नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद मंदी की चपेट में भारत का वाहन उद्योग। नोटबंदी की मार ने गत दिसंबर महीने में वाहन उद्योग की कमर बुरी तरह तोड़ दी और घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री में सदी की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सभी श्रेणी के सभी वाहनों की कुल बिक्री 18.66% घटकर 12,21,929 इकाई रह गई। दिसंबर 2015 में यह आंकड़ा 15,02,314 इकाई था। दिसंबर 2000 के बाद की सबसे तेज गिरावट है। नोटबंदी के कारण पिछले साल नवंबर में भी वाहनों की बिक्री 5.48% गिरी थी। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि ऑटो उद्योग पर नोटबंदी की बुरी मार पड़ी है। यात्री कारों की बिक्री 8.14% घटी, जो अप्रैल 2014 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। यह दिसंबर 2015 के 1,72,671 से घटकर 1,58,817 इकाई रह गई। कारों, उपयोगी वाहनों तथा वैनों समेत यात्री वाहनों की कुल बिक्री 1.36% की कमी दर्ज की गई, जो अक्टूबर 2014 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इसमें उपयोगी वाहनों की बिक्री में हालांकि 29.94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 58,309 इकाई रही। दुपहिया वाहनों की बिक्री में अब तक की रिकॉर्ड गिरावट देखी गई, यह 22.04% घटकर 9,10,235 इकाई रह गई। सियाम ने वित्त वर्ष 1997-98 से वाहनों की बिक्री के आंकड़े रखने शुरू किए हैं और तब से इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। स्कूटरों की बिक्री में मार्च 2001 के बाद सबसे बड़ी 26.38% की गिरावट रही और यह घटकर 2,84,384 इकाई पर आ गई। मोटरसाइकिलों की बिक्री भी 22.50% घटकर 5,61,690 इकाई रह गई, जो दिसंबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। माथुर ने बताया कि बढ़ती इन्वेंटरी के मद्देनजर कंपनियों ने दिसंबर में उत्पादन में भी कटौती की। सिर्फ यात्री वाहनों का उत्पादन 2.13% बढ़ा है, लेकिन वह भी उपयोगी वाहनों के कारण। वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन 19.33%, तिपहिया वाहनों का 43.28% तथा दुपहिया वाहनों का 25.18% कम हुआ है। इस प्रकार सभी श्रेणी के वाहनों को मिलाकर कुल उत्पादन 21.76% घटकर 12,37,347 इकाई रह गया है। उन्होंने कहा कि अब कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले 3 महीने में इस इन्वेंटरी को बेचने की होगी। माथुर ने कहा कि वे आने वाले बजट में सरकार से लोगों पर आयकर का बोझ कम करने की उम्मीद करते हैं, ताकि लोगों की खर्च करने योग्य आमदनी बढ़े, जिससे वाहन उद्योग के साथ पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मां की आड़ में राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नोटबंदी से पैदा हुई दुश्वारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। मुलायम और अखिलेश की मुलाकात के बाद सपा में बढ़े सुलह के आसार। फिलीपींस में समुद्री लुटेरों का नौका पर हमला, 8 लोगों की मौत। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला की नियुक्तियां रद्द की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।